Hi, this is Sara Khan. Install Hum TV app for amazing content. मायूसी जहरे कातिल होती है बेटा, अगर तुम हिम्मत और हौसला नहीं करोगी तो ये वक्त बहुत कठिन हो जाएगा तुम्हारे लिए। क्या हुआ मामा? राबिया का मक्का में इंतकाल हो गया। गॉड मामा, ये क्या कह रही हैं आप? शेजा, आंटी अम्मी कैसे मर गई? यहां से तो वो बिल्कुल ठीक गई थी। आप पता करें कहीं खबर झूठी तो नहीं है। बच्चे, मरना तो हम सबको ही है ना एक दिन। तुम ये देखो कि वो कितनी शानदार मौत नसीब हुई है उन्हें। ये बात सोच कर ही तुम अपने आप को तसल्ली दे दो शिजा। मुझे नहीं तसल्ली हो रही आंटी, लोग क्यों मर जाते हैं, हमें क्यों इतना रोना पड़ता है? बस बेटा बस, सब्र सब्र कर, बस बेटा बस, सब्र कर। प्लेट में खाना छोड़ना गुनाह होता है। चलो सब खत्म करो। बचपन में मामा भी मुझे ऐसी डरावे दे के खाना खत्म करवाती थी। ना आप क्यों मुझे बच्चों की तरह ट्रीट कर रहे हैं? क्यों इस वक्त मुझे एक बच्ची की तरह लग रही है? बच्चे ही ऐसे खाना ना खाने की जिद करते हैं ना। अचल ताई जी के अचानक इंतकाल ने मुझे दहला कर रख दिया। जानता हूँ मिशेल, अगर हालात पहले जैसे होते तो जितनी तसल्ली शिजा को तुमसे मिलती उतनी कोई नहीं दे सकता था। देखो मिशेल, अल्लाह तुम्हारी भी गोद भरने वाले है, मैं तुम्हारे साथ, तुम्हारे बाबा का साया तुम्हारे सर पर सलामत है, लेकिन उसका आखिरी सहारा उसकी माँ भी उसे छिन गई है। तुम्हारा दिलासा, तुम्हारी हमदर्दी, तसल्ली के दो बोल, और सबसे बढ़कर ये कि तुम उसे एहसास दिलाओ कि तुम उसके पास हो। और यकीन जान, उसके जलते हुए दिल को ठंडक महसूस होगी मिशेल। यकीनन शिजा को इस वक्त मेरी बहुत जरूरत महसूस हो रही होगी। निम्रा मेरी बच्ची, बेटा दिल इतना छोटा नहीं करते। अब मुझे देखो ना, मैं कितनी बूढ़ी हूं। राहीला के सहारे अपने पांव पर चलकर आई हूं तुम्हारे पास, तुम कैसे नहीं चलोगी? दादी, मुझे इस व्हीलचेयर पर बैठना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैंने फैसला कर लिया है कि जब तक मैं बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती मैं अपने दोस्तों से नहीं मिलूंगी। आप बस प्लीज मेरे साथ रहिएगा। नहीं मेरा बच्चा, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी, लेकिन बेटा सबसे मिलना जुलना मत छोड़ो। मैं तुम्हें तन्हाई की जिंदगी नहीं गुजारने दूंगी। यही तो मैं इसे समझा रही हूँ, लेकिन इसकी एक ही राट है कि माजूरी की हालत में किसी दोस्त के पास नहीं जाऊंगी, किसी से बात नहीं करूंगी। कल जब आप आई थी तो आजर आपको छोड़ने आया था, वो अंदर मुझसे मिलने क्यों नहीं आया? वो
उसे किसी को मिलने जाना था, वो मुझे बाहर ही ड्रॉप करके चला गया। अरे दादी, आपको तो ठीक से झूठ बोलना भी नहीं आता। बेटा निमरा, अम्मा ठीक कह रही हैं। कल वाकई आजाद बहुत जल्दी में था, और फिर पिछले दिनों अस्पताल में उसने कितना हमारा साथ दिया। मुझे भी पल पल की खबर देता था। उसकी इतनी सफाइयां क्यों पेश कर रहे हैं आप लोग? अच्छी नहीं हूँ, मुझे अच्छी तरह से मालूम है उसके अंदर ना आने की वजह। बेटा, अगर तुम जानती हो तो उसके बारे में सोचना छोड़ दो। दादी, ये तो ऐसा हुआ, अगर मैं आपको कहूँ कि सांस लिए बगैर जीना सीख लें तो क्या आप जी लेंगे? थैंक यू। शुक्र है सारे मेहमान चले गए, तो खास तौर पे शाहिदा बाजी और रेहान मेरे से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहे। मुझे तो ऐसे महसूस हो रहा था जैसे वो महफिल एंजॉय करने आए। वैसे होते हैं कुछ लोग ऐसे, दूसरों के गमों में अपनी खुशियां तलाश करते हैं। मेरा ख्याल है मैं आज रात यहीं रह जाती हूँ। Not a bad idea. शिजा को अभी तुम्हारी सख्त जरूरत है। मैं शिजा के लिए नहीं रुक रही, अरसल और नजमा है ना उसकी फिक्र करने के लिए। मैं मिशेल के लिए रुकना चाह रही हूँ, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, और अरसल जो जरा भी उसकी परवाह करे। आसमा, प्लीज, इस क़यामत के वक्त में तो तुम अपना दिल नरम कर लो। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं इतनी संदिग्ध? अरसल और नजमा एक मिनट के लिए भी शिजा के पास से नहीं हटे, और इस वक्त मिशेल बहुत डिप्रेस्ड है। मैं उसको इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकती। जैसे तुम्हारी मर्जी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि राबिया भाभी अब हमें नहीं। आप अपनी बातों से मेरे दिल में शिजा के लिए वही पुराना वाला एहसास जगाकर फिर अपने रवैये से दोबारा क्यों सुला देते? आपकी ये बेचैनी, बेताबी सिर्फ शिजा के लिए क्यों महसूस होती है मुझको? मैं जाना चाहती थी शिजा के पास, लेकिन आपका इस तरह बेकरार होकर उसके पास जाना मेरे कदम रोक गया। क्यों करते हैं आप इस तरह सर? मेरे अंदर से तोड़ कर रख दिया आपने मुझे। शायद शिजा को भी इस वक्त मुझसे ज्यादा आपकी मोहब्बत और तलाशी की जरूरत है। तभी उसने एक बार भी मुझे नहीं पुकारा, मेरे पास नहीं बुलाया, वरना ताया जी के इंतकाल पर उसने ताई अम्मी से ज्यादा मुझसे अपना गम शेयर किया था। मुझे मिशेल को भी कन्विंस करना चाहिए कि वो मेरे साथ शिजा के कमरे में चले। ये मौका है कि दोनों एक दूसरे के फिर से करीब आ सकती है। मिशेल, क्या हो गया तुम्हें? होश में तो हो? बाबा, अब इस कमरे में शिजा और अरसल की पिक्चर होनी चाहिए ना, इसका क्या फायदा इस रूम में? तुम मां बेटी को क्या हो गया बेटा? इस गम की घड़ी में भी इन बातों में उलझे हुए? बाबा, जब इंसान खुद डूब रहा होता है ना, तो उसे सिर्फ अपने आप को बचाने की पड़ी होती, किसी और का फिर कोई एहसास बाकी नहीं रहता। बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो।
शिजा तुम्हारी खुशियों के लिए बस सब कुछ कुर्बान कर देगी, वो अरसल को कभी नहीं छीनेगी तुमसे, मेरी बात का यकीन करो। तो बाबा आप ही बताएं ना, ऐसा क्यों होता है? मैं जब भी शिजा की तरफ एक कदम बढ़ाती हूँ तो अरसल फौरन भाग के दो कदम उसकी तरफ बढ़ाते हैं। बाबा कोई तो वजह होगी ना इनकी दीवानगी की। फिरोज अभी चली गई, मैं अब क्या करूंगी उनके बगैर? सब्र करो बेटा, मुझे तो खुद यकीन नहीं हो रहा कि राबिया भाभी अब हमने नहीं, लेकिन मौत तो बरहक है ना बेटा, सबको आनी। चुप हो जाओ, हम सब हैं ना तुम्हारे पास। शिजा पानी पियो। जी का फोन आया था बेटा, राबिया भाभी की तस्वीर बड़े अच्छे तरीके से हो गई, दो तीन दिनों में शैलांडी वापस आ जाएंगी, शायद शिजा को उनसे मिलकर ही सुकून है। मैं भी यही सोच रहा हूँ। वैसे बेटा ये वक्त तो नहीं है ऐसी बात करने का, लेकिन कहे बगैर चारा नहीं है बेटा। कहिए क्या बात है? बेटा इस वक्त मुझे शिजा के साथ मिशेल की भी बहुत फिक्र है, इस कंडीशन में उसे बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए और उतना ही स्ट्रेस ले रही है। अंकल मैं तो उसका पूरा ख्याल रखने की कोशिश कर। बेटा तुम्हें पता भी नहीं चल रहा, तुम शिजा की परेशानी में मिशेल को टोटली इग्नोर कर रहे हो। अगर मिशेल इस कंडीशन में ना होती ना तो मैं कभी भी तुम्हें ये ना कहता, और बात उसके बच्चे की भी है। मैं क्या करूं अंकल, आप शिजा की हालत देख रहे हैं, मम्मी से वो के लिए संभल ही नहीं रही। बेटा इस सानिया पर मैंने मिशेल की आंखों में शिजा के लिए वही हमदर्दी और मोहब्बत देखी है, एंड आई थिंक यही मौका है कि वो दोनों एक हो सकती है, लेकिन तुमने अपने जज्बातीपन में उसको बिल्कुल पीछे रखा और खुद शिजा के मसीहा बने। ओह नो शैला खालब, ये तो बहुत बुरी खबर सुनाई है आपने, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। शैला खालब मैं अकेले वहां ताजियत के लिए नहीं जा सकता, मेरे लिए पिछला तजुर्बा काफी है। आप परसों आ रही है ना? ठीक है मैं आ जाऊंगा एयरपोर्ट आपको लेने, आप फ्लाइट की डिटेल्स एसएमएस कर दें। ठीक है मैं आपको वहीं से शिजा के घर ले जाऊंगा। ठीक है अल्लाह हाफिज। मम्मी शिजा की हालत देखते हुए मैं सोच रहा था कि आज रात मुझे उसके पास रुकना चाहिए। तुम ठीक कह रहे हो, होना तो तुम्हें उधर ही चाहिए। लेकिन मम्मी मिशेल की भी तबीयत ठीक नहीं है, अगर मैं शिजा के पास रुक गया तो पता नहीं वो कैसे बिहेव करेगी। हालांकि आज अस्मा भी यहीं रुक रही हैं, उसूलन तो उन्हें मिशेल के कमरे में सोना चाहिए, इसीलिए तो वो फिरोज भाई के साथ घर नहीं गए। जितनी खुशी मुझे अपने बेबी के आने की है
उतना ही गम इस चीज का है कि 8-9 महीने मिशेल के हाथों ब्लैकमेल होना पड़ेगा। खैर फिलहाल तो तुम्हें मिशेल के पास जाना ही होगा, मैं शिजा के कमरे में रहूंगी। अब दवाई पाबंदी से खानी है तुमने। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा बच्चा सेहतमंद हो तो तुमने अपना ख्याल खुद रखना होगा, क्योंकि बाकी सारा घर तो शिजा की दिलजोई में मसरूफ है। मम्मा मैं कभी कभी सोचती हूँ अगर मैंने ये बेवकूफाना जिद ना की होती तो आज मैं शिजा के पास होती उसका दुख उसके आंसू शेयर करने के लिए। अगर उसकी नीयत साफ होती ना तुम आज भी उसके साथ उसका दुख शेयर कर सकते, लेकिन उसकी तो नियत नहीं फितूर था। लेकिन अब सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। मिशेल को फैसला करना ही होगा। कैसा फैसला? ये मौत वाले घर में खुशी कौन सी आ गई? यही तो हैरान होने वाली बात है अस्मा। तुम्हें पता है मिशेल रात से शिजा के कमरे में है और अभी तक वही है। ये कैसे हो सकता है? मिशेल तुम मुझे कभी छोड़ के तो नहीं जाओगी ना? नहीं कभी भी नहीं।